everyone, how are you all? I hope you all are doing extremely well. So this is Bhaswati and welcome back to the channel, welcome back to my new video. So आज की video बहुत बहुत interesting होने वाला है क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ मेरे earrings collection. So मैं बहुत दिनों से wait कर रहा था कि कब ये video बनाऊँ मैं, कब ये video मेरे channel में आएगा, पर हो ही नहीं रहा था. So I decided कि आज मैं करके ही रहूँगी, लाइक आई हैव टू डू दैट बिकॉज बहुत दिनों से मेरा ये शौक था कि मेरे सब कलेक्शंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ. सो या सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो या पहले मैं एक बात कह देना चाहती हूँ कि मेरा जो मैक्सिमम कलेक्शंस है ना ज्वेलरी और बेसिकली ईयर रिंग्स के, वो मैंने ऑफलाइन स्टोर से मैक्सिमम खरीदी थी. सो इन दैट केस आई कैन नॉट प्रोवाइड यू द लिंक, बट रेस्ट ऑफ द आइटम्स इफ आई फाइंड एनी थिंग दैट आई हैव परचेज फ्रॉम online stores, then obviously you can get the purchase link in the description. This is one of my favorite, I mean I really love this earring. और ये जो आपको ये जो वर्क दिख रहा है ना, ये एक्चुअली जूम करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ roses नजर आएगा. और yes, I'm going to wear this. Just look at the earring. Isn't it gorgeous? इन दोनों ईयरिंग्स को तो आप पहचान ही चुके हैं क्योंकि मेरा जो नायका हॉट पिंक सेल वाला जो वीडियो था ना, उस पर मैं ये पहनी हुई थी. आप लोग अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, प्लीज़ देखना मत भूलना. सो ये वाला जो ईयरिंग है ना, वो मैंने शेन से खरीदी थी, but I cannot provide you the link in that case. You know why? Okay, so the next one is very cute. Yes, here you go. So moving to the second item. So ये मैंने खुद नहीं खरीदी थी, ये मैंने gift पाया था. So एक बार पहन लेती हूँ. I just love to wear this. ये एक्चुअली ना वेस्टर्न के साथ नहीं जाता, एक्चुअली ये ट्रेडिशनल वेयर के साथ बहुत ही अच्छा जाता है, लाइक साड़ीज एंड कुर्ताज. यस, सो आई डेफिनेटली लव दिस. सो नेक्स्ट में है और एक ट्रेडिशनल वाला झुमका. इट्स काइंड ऑफ झुमका, छोटा झुमका जो है तो होता है ना, वो काइंड ऑफ. सो नेक्स्ट इज दिस वन. एक्चुअली मैं जब स्कूल में थी ना, वो मैं पॉकेट मनी बचा बचा कर सिर्फ इयर रिंग्स ही खरीदती थी. सो दिस इज वन ऑफ दैट कलेक्शन दैट डेज फ्रॉम दैट डेज. सो यस, दिस इज द फाइनल लुक. ओके, सो ये वाला तो मेरा फेवरेट है, दिस वन. पहन के दिखाती हूँ. सो यस, एक्चुअली ये वाला जो झुमका है ना, झुमका नहीं ईयर रिंग्स है ना, वो लहंगा और साड़ी के साथ बहुत अच्छा जाएगा. सो ये वाला ईयर रिंग मैंने बुरा बाजार से परचेस की थी, जो कि अप्रॉक्स 200 to 250 में थी. हाँ, सो द नेक्स्ट वन इज दिस गोल्डन ब्यूटी. एक्चुअली ये मैं धर्मतोला से परचेस किया था, जो कि है कोलकाता में. सो यस, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो यस, दिस इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट कलेक्शन. दिस इज ऑल्सो ईयर रिंग विच यू कैन वेयर विथ लहंगा, साड़ी, कुर्ता. ट्रेडिशनल बहुत 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 कलेक्शंस है मेरे पास. सो यस, एक्चुअली अब लगता है कि मुझे पार्ट टू बनाना पड़ेगा. मेरा जो वेस्टर्न और ऑक्सीडाइज का जो कलेक्शंस है, वो मैं एक साथ एक और वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन. द नेक्स्ट वन इज दिस. This is really a hard work. So the last one is this one.
दिस इज रियली लुक्स लाइक अ छोटा सा झुमका. यस, सो पहन के दिखाती हूँ. सो ये मैंने बहुत 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 साल पहले अमेजन से खरीदी थी. अगर मुझे लिंक मिल जाए तो मैं ऑफ कोर्स लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. जो भी कलेक्शंस मेरा हाथ आया वो आज आपके साथ सब कुछ शेयर कर दिया इस वीडियो में. और भी कलेक्शंस है वो ढूंढना पड़ेगा. एक्चुअली ये जो पार्ट था ना, ये मैक्सिमम तो आप लोगों ने देखा ही, मैक्सिमम ट्रेडिशनल कलेक्शंस था. और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें मैं ऑक्सीडाइज और वेस्टर्न ज्वेलरी डिटेल्स डाल दूंगी. सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्यूटिफुल. टाटा.